नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्लांट का बायनोमियल नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम और उस प्लांट का यूज। पहले ही हम दो ठो पार्ट में बना चुके हैं, तीसरा पार्ट है। जो नहीं देखे वो कृपया जाके जरूर देखें, दो ठो वीडियो बना है। पहला है पटाइटो, इसका साइंटिफिक नेम और बायनोमियल नोमेनक्लेचर सोलेनम ट्यूबरसम होता है। पोटैटो इज नेटिव टू अमेरिका, ओरिजिनेटिंग इन मॉडर्न, यानी ये जो नेटिव प्लांट है अमेरिका का है, और ये अभी मॉडर्न टाइम में जो है पेरू में होता है। ये प्लांट सोलवेंसी में, फैमिली सोलवेंसी में बिलोंग करता है। इसमें रिच चार्ज होता है। पिकॉक का बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम पाओ क्रिस्टस्ट होता है। पिकॉक मोर है, पिकॉक उसको भारत का राष्ट्रीय पशु यानी पंछी पंछी जो है 1963 ईस्वी में डिक्लेयर किया गया था। फॉक्स फॉक्स का बायनोमियल या साइंटिफिक नेम बल्पस बल्पस होता है। फॉक्स जो है लार्जेस्ट होता है। रेड फॉक्सेस जो है सबसे बड़ा फॉक्स होता है, इन लोमड़ी होता है जो इसमें पाया जाता है, वो कार्निबोरस ऑर्डर कार्निबोरस होता है। जो ये है पाया जाता है इंटायर मतलब सभी हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में, जैसे नॉर्थ अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में एंड नॉर्थ अफ्रीका में भी पाया जाता है। टमाटो, इसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है साइंटिफिक लाइकोपर्सिकॉन इस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन इस्कुलेंटम होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम। टमाटर जो इडिबल होता है, रेड होता है, एलोविस्ट और बेरी। नंबरस वेराइटी ऑफ टोमेटो प्लांट्स आर वाइडली ग्रो इन टेम्परेचर क्लाइमेटिक अक्रॉस द वर्ल्ड, विच ग्रीन हाउस अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टमाटोज थ्रू आउट ऑल सीजन ऑफ ईयर, यानी हर सीजन में पाया जाता है, ठंडा गर्मी बरसात सातों सीजन होता है उसमें भी। ओनियन, ओनियन का साइंटिफिक्स नेम और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है एलियम सेपा। एलियम सेपा ओनियन इज वर्ल्ड एंड ओनियन जो है वर्ल्ड वाइड कलिनरी एंड थेरेप्यूटिक स्पाइस बिलोंग टू फैमिली लिनियंसी। थेरेप्यूटिक स्पाइस होता है, कलिनरी होता है, जीनस जो कंटेन करता है ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड जो एब्जॉर्ब करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट द्वारा और कन्वर्ट करता है एंटी ऑक्सीडेंट में कन्वर्ट करता है। और आप लोगों को पता होगा कि कोलेजन प्रोटीन जो वो एजिंग जो है काउज करता है, इसलिए एजिंग को रोकने के लिए बहुत जरूरी होता है। रेडिस, रेडिस का बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम रपनस सटिवस होता है। रेडिस इज एडिबल रूट वेजिटेबल ऑफ द फैमिली ब्रासियेन्सी होता है। ब्रासियेन्सी का सी दे ग्रो एंड क्रिमसन थ्रू द वर्ल्ड रो एंड कैनरीज लैंड वेजिटेबल। दे आर नंबरस वेराइटी वेरिंग साइज फ्लोर कलर एंड लेंथ ऑफ टाइम दे टेक टू मेच्योर। टाइगर, टाइगर का जो है बानियों में कचर या साइंटिफिक नेम पेंथेरा टिग्रिस होता है। टाइगर आवर नेशनल प्राइड, इट इज बिगेस्ट स्पीसी ऑफ कैट फैमिली। मैनी सब स्पीसीज ऑफ टाइगर आर आइदर इन डेंजर और ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी बहुत सारा ऐसा टाइगर का जो सब स्पीसीज है वो यानी लुप्त होने के कगार पे है या तो लुप्त पहले ही हो चुका है। इसमें जो है
जो लुप्त होने या होने का कगार पे इसका मुख्य रीजन है प्राइमरी काउज जो हमें होता है, क्योंकि वो हंटिंग और हैबिटेट यानी जो बाघ का जो हैबिटेट है जो रहने का स्थान उसको जो है डिस्ट्रैक्शन कर रहा है। हॉर्स होता है इक्वस, साइंटिफिक नेम बाइनोमियल कैसर हॉर्स का इक्वस क्लेबुलस होता है, इक्वस 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 क्लेबुलस। हॉर्स आर एडेप्टेबल एंड एक्रीफाई वाइड वेराइटी ऑफ हैबिट अंडर द डोमेस्टिकेशन, प्रेफेबिट आर कूल टेम्परेचर ग्रास लैंड स्टीपनेसेस एंड सबनॉट्स, बट दे ऑल्सो ऑक्यूपाई सेमी डेजर्ट्स। हॉर्स हॉर्स जो है कलर जो है उसका कलर कोड होता है वाइट ब्लैक रेड ब्राउन एंड येलो। कायरोट, कायरोट का बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक्स नेम नेम जो है डस्टस कायरोटा, डस्टकस कायरोटा। कैरोट जो रूट वेजिटेबल विच इज क्लर्ची टेस्टी इन हाईली न्यूट्रिशन, दे आर गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन फीवर विटामिन ए पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट, दे आर वेट लॉस फ्रेंडली फूड एंड हैज बीन लिंक टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इम्प्रूव आई हेल्थ। हमारे आँख में दो ठो प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाला जो होता है रिसेप्टर होता है, एक रोड्स होता है एंड कॉर्न्स, इसमें जो बना होता है विटामिन ए की जरूरी होता है आँख के लिए, इसलिए कैरोट में बहुत सारा जो विटामिन ए पाया जाता है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ रेनोसेरस का होता है रेनोसेरस यूनिकॉर्निस। इंडियन इंडियन रेनोकोर्स आर कॉल्ड द ग्रेटर वन हॉर्न, यानी एक तो सिंह होता है इन भारत में जो पाया जाता है गैंडा। जेब्रा, जेब्रा का बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक्स नेम इक्वस क्यूगा। जेब्रा मोस्ट कॉमन एंड जियोमेट्रिकल वाइड स्पीस ऑफ जेब्रा, जेब्रा का सिक्स स्पीस हैज बी रिकॉग्नाइज इंक्लूडिंग एग्जिस्टेंस, यानी इसका जो है जेब्रा का 6 ठो सब स्पीसीज को मतलब पहचाना गया इंस्टिंक्ट क्वेगा विच आर थ्रू आउट द सेपरेट, क्वेगा जो है वो मतलब लुप्त हो चुका है। बुफलो, बुफलो बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम ऑफ बुफलो का होता है बल्डलस बुफलिस। वाटर बुफलो और डोमेस्टिक वाटर बुफलो इज लार्ज वेटिंग इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड नॉर्थ एशियन एंड चाइना टुडे, जो आज भी जो बुफलोज जो पाया जाता है यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज। ब्रिंजल, ब्रिंजल का बायनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक्स नेम सोलेनम मैंगो गेना होता है, सोलेनम मैंगो गेना। ब्रिंजल इज ग्रो वाइड फॉर एडिबल फ्रूट, वे आर मोस्टली पर्पल स्पॉन्जी एब्जॉर्बेंट फ्रूट इज यूज सर्फलर किडनीज, टेपिकल फ्रूट एज यूज एज ए वेजिटेबल इन कुकिंग, इट इज वेरी वाइड एट बोटनिकल डिफिनेशन। सोलेनम जिसका जो है जीनस सोलेनम होता है रिलेटेड होता है टमाटो और पोटैटो से। बुल्फ केनिस लपस, बुल्फ इज ग्रे बुल्फ, द बुल्फ और ग्रे बुल्फ इज लार्ज कनाइन नेटिव टू यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, मोर देन 30 सब स्पीसीज ऑफ द केनिस लपस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल वर्ल्ड
लायन, पेंथेरा लियो। बाइनोमियल नंबर के जो साइंटिफिक नेम लायन का जो पेंथेरा लियो होता है। लायन इज सब स्पीस ऑफ फेलिडी, मेंबर ऑफ जीनस पेंथेरा। एलिफेंट, एलिफेंट का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम लोजोंटा अफ्रीकाना, लोजोंटा डोंटा अफ्रीकाना। जो ये ग्रास को खाता है, फीड करता है, ग्रास हो गया, क्रीपर्स, हर्फ, लीफ एंड बार्क। जिंगर, जिसको हिंदी में अदरक कहते हैं, इसको जिन जीबर ऑफ्सिसिनेल होता है। इसका बायोमियन नाम क्या है, साइंटिफिक नेम। इसको मेडिसिन के में भी यूज किया जाता है। ये जो है हर वाइट पिंक फ्लावर बर्ड्स होता है, येलो फ्लावर भी होता है। डॉग्स, डॉग्स का हुआ कैनिस लपस फैमिलीरिस, कैनिस लपस फैमिलीरिस। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर योर साइंटिफिक नेम। कैनिसिडे, इसका फैमिली जो है कैनिसिडे होता है। केट, केट का बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम नेम फेलिस केटस। ये लो जो स्मॉल डोमेस्टिक स्मॉल कार्निवोरस मेमल, इसको फैमिली फेलिडे बोलते हैं। फैमिली हल्दी, हल्दी का जो टर्मेरिक होता है कुकुमा लोंगा, कुकुमा लोंगा होता है। इसका बायोनॉमियल नंबर क्या है, साइंटिफिक नेम। टर्मेरिक हैज बीन यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन मेडिसिन के रूप में इसको यूज होता है। इसका इलनेस जो है इंफ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन डिजीज हो गया, गैस्ट्रिक हेपेटिक एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जो इसका यूज किया जाता है। पॉलीफिनोल जो होता है एग्जेक्ट यानी इसको निकाला जाता है। राइजोम ऑफ टर्मेरिक से इट इज यूज फॉर फार्मास्यूटिकल इफेक्ट्स जैसे एंटी ऑक्सीजेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबल, एंटी ट्यूमर एंड हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी के लिए इसका मेडिसिन यूज होता है। लहसुन का गार्लिक होता है, इसका एलियम सटिवम, जिसका बानवन ये साइंटिफिक नेम होता है। ओनियन, ये जो ओनियन हो गया, स्लॉट हो गया, लीक हो गया, चीव हो गया एंड चाइनीज ओनियन, ये चीज लॉन्ग होता है। इसको भी जो यूज है एंशिएंट टाइम से ही एंड यूज फॉर फूड फ्लेवर एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। हनी बी, एपिस डोर्साटा, एपिस डोर्साटा होता है। इसका बायोनॉमियल नंबर के साइंटिफिक नेम। इसको भी यूज किया जाता है, मेडिसिनल यूज होता है। लौंग, लौंग का जो बायोनॉमियल जिसको क्लोव बोलते हैं, इसका बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर और साइंटिफिक नेम सीजीजियम एरोमेटिकम, एरोमेटिकम सीजीजियम एरोमेटिकम बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम होता है। क्रॉप्स आर एरोमेटिक फ्लावर बर्ड्स ऑफ द ट्री इन फैमिली ऑफ मिस्टरेंसी सीजी जियम एरोमेटिकम। दे आर नेटिव ऑफ मकुलू आइसलैंड इन इंडोनेशिया, यूज फॉर स्पाइस। ब्लैक पेपर, पीपर निग्रम, गोलकीस को हिंदी में बोलते हैं। ब्लैक पेपर इज फ्लोरिंग वाइन इन द फैमिली ऑफ
PPNC cultivate for fruit which are usually dry and used as a spice and seasoning when fresh and full in nature. The सोट जो नेटिव जो है सोट केरला में, इंडिया के जो सोट केरला से, यहाँ सिल्क सिल्क मॉथ, बॉम्बेक्स मोरी, डोमेस्टिक सिल्क इज इंसेक्ट फॉर फैमिली ऑफ बॉम्बेक्सी। Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work. Dhanyavaad. Namaskar.